धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रेलवे के लिए अभूतपूर्व, इससे पहले आज तक कभी इतना नहीं हुआ, इतना रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आपने अप्रूव किया, बजट में एलोकेट किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहता हूँ वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को कि रेलवे के जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन सब पॉइंट्स को आज अपने बजट के भाषण में स्थान दिया। न केवल आर्थिक सपोर्ट दिया, न केवल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट दिया, उसके साथ ही साथ जो कॉन्सेप्चुअल चेंजेस, जो जिस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है उसकी विचारधारा का, उस सोच का, उस थॉट प्रोसेस का एक क्लियर रोड मैप अपने बजट के भाषण में रखा। इसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तीनों मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में, टेलीकॉम में, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में, इन तीनों में बहुत एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ बजट में रखे गए पॉइंट्स। मैं तीनों पे एक एक करके आऊंगा। पहला, रेलवे। रेलवे में जनरल बजट की तरफ से, भारत सरकार के बजट की तरफ से 1,37,000 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट हमको दिया गया है। जीबीएस बहुत बड़ा नंबर है और इससे रेलवे के जो लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स के, इन्वेस्टमेंट की कमी के कारण जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे उसको पूरा करने में बहुत ज़बरदस्त मदद मिलेगी। जितने सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, जितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे कि रेलवे की कैपेसिटी बढ़े, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो, उस सब के लिए बहुत अच्छा आउटले है ये। सेकेंड, स्टेशंस के लिए बहुत ही अच्छा एक ब्लूप्रिंट रेडी है जिसको आगे ले जाना है। रिवाइज्ड एस्टिमेट में ही 12,000 करोड़ ऑलरेडी अप्रूव हो गए थे 3 महीने पहले, तो उसको आगे ले जाना है। तीसरा, कैपेसिटी और सेफ्टी के लिए कवच। आप सब जानते हैं कवच अपने भारत में ही डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है जो कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, SIL-4 सर्टिफाइड है। SIL-4 सर्टिफिकेशन का मीनिंग आप सब समझते हैं बहुत अच्छे से, मेरे से ज़्यादा आपको इस सब्जेक्ट की, विषय की नॉलेज है। SIL-4 का मतलब हुआ 10,000 वर्षों में एक एरर, सिंगल एरर इन 10,000 ईयर्स, इतनी प्रोबेबिलिटी, इतनी रिलायबिलिटी है इस प्रोडक्ट की। तो बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बजट के भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने इसको स्थान दिया, क्योंकि ये प्रोडक्ट भारत में डिप्लॉय होके, भारत में लगने के बाद में विश्व भर में निर्यात करने की कवच टीकैस के ऊपर बिल्डअप करके किया गया है। तो इसको आज भारत में प्रूव करके, भारत में इसको प्रॉपरली अच्छे से डेवलप करके, डिप्लॉय करके, उसके बाद में विश्व भर में निर्यात करने का हमको टारगेट लेना चाहिए, विशेषकर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में जहाँ पर बहुत अच्छा रेलवे नेटवर्क है, उन सब नेटवर्क्स में इसका उपयोग होगा। चौथा, देश में ही बनी, देश का गर्व, वंदे भारत ट्रेन्स, जो कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ऐसी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई थी, उसका वर्जन 1 ऑलरेडी चल रहा है, वर्जन 2 का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, डिज़ाइन कंप्लीट होकर उसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। बहुत बहुत जल्दी अप्रैल के महीने से इसकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी और अगले अगस्त सितंबर से उसका सीरियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। उसका भी अलग नया जनरेशन और तैयार करने का आज टारगेट दिया गया बजट में। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी सोच एक लेवल से दूसरे लेवल पे तुरंत टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ते जाए हम, क्योंकि इसी से पैसेंजर एक्सपीरियंस बेटर होगा, इसी से सेफ्टी बेटर होगी, एक अच्छी सुविधा, एक अच्छी सर्विस जो हमारे देश में 8.5 करोड़ पैसेंजर्स साल का, जो 8.5 बिलियन यानी 850 करोड़ हुआ ना, 8.5 बिलियन है ना, 850 करोड़ जो साल की ट्रिप्स होती हैं उसके लिए इस तरह का चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर इसके साथ छोटे उद्यमियों को, छोटे व्यापारियों को, हमारे दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, उन सबको किस तरह से जोड़ा जाए रेलवे नेटवर्क में, उसको लेके पोस्ट और रेलवे की सर्विसेज में एक इंटीग्रेटेड वे में सोचने की जो पहल की गई है इस बजट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप सोचिए, झारखंड के एक ग्रामीण इलाके से अगर कोई आदिवासी स्वयंसेवी समूह अपने प्रोडक्ट्स को मुंबई के मार्केट तक पहुंचाना चाहे, वापी के छोटी सी इंडस्ट्री से अगर नॉर्थ ईस्ट के मार्केट तक कोई पहुंचाना चाहे, कोयम्बतूर के मार्केट से दिल्ली के मार्केट तक कोई लाना चाहे, तो आज एक ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना है जिससे कि छोटे व्यापारी, छोटे किसान, छोटे उद्यमी भी रेलवे की सेवाओं का उपयोग ले सके। पार्सल सर्विस कई सालों से चल रही है, लेकिन पार्सल सर्विस की अपनी बहुत सारे इश्यूज हैं। उन सब को पीछे रखते हुए कैसे एक नया प्रोडक्ट लाया जाए, कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये बहुत ही एक गेम चेंजर थॉट प्रोसेस है। मैं कहूँगा इससे देश का भविष्य बदल सकता है। मैं कहूँगा कि देश के इकोनॉमी में जो नीचे स्तर पर लोग हैं, हमारे भाई और बहन, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। कितना इससे रोजगार क्रिएट होगा, कितनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, इसका अंदाजा आज लगाना संभव नहीं हो, लेकिन आने वाले वर्षों में आप इसका लाभ देखेंगे। इसीलिए 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हमारे, 8,000 स्टेशंस, इनको मिला के जो इंटीग्रेटेड थॉट प्रोसेस है, दोनों में कॉमन टेक्नोलॉजी हो, एक कॉमन सर्विस रहे, कस्टमर को सीमलेस एक डोर से दूसरे डोर तक सीमलेसली चीज़ें पहुंच सके, वो जो थॉट प्रोसेस है वो एक गेम चेंजर थॉट प्रोसेस। मैं मानता हूं कि इस तरह का विजन अमृत काल में ही आ सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अमृत काल के प्रणेता हैं, अगले 25 वर्ष हम भारत की आज़ादी के 75 वर्षों से 100 वर्षों तक, शताब्दी तक वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में इस तरह के चेंजेस, इस तरह के गेम चेंजर्स, उनकी बहुत बहुत ही एक अति महत्वपूर्ण कल्पना रखी गई है, टारगेट्स रखे गए हैं। मैं आऊँगा अब टेलीकॉम पे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एंटायर टेलीकॉम टेक्नोलॉजी की पूरे स्टैक पे किस तरह से कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, स्टैंडर्ड्स में हमारा स्थान हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में भारत आत्मनिर्भर कैसे बने, वो एक इतनी महत्वपूर्ण सोच है जिसपे कुछ वर्षों से काम चल रहा है और इसके रिजल्ट अब आने लगे हैं। कोर नेटवर्क और रेडियो नेटवर्क की टेस्टिंग बहुत सक्सेसफुल हुई है, मैं आपके साथ बहुत प्रसन्नता के साथ शेयर करना चाहूँगा। इस सक्सेस के ऊपर बिल्ड करके आज जो वित्त मंत्री जी ने घोषणा की कि R&D में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट लगाया जाएगा, जिससे कि 5G में, 6G में, इक्विपमेंट की डिज़ाइन में, इन सब में हम लीड ले सके दुनिया में, हम दुनिया में एक्सपोर्टर बने टेलीकॉम इक्विपमेंट के, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर के, न कि इम्पोर्टर बने रहें। ये जो सोच है, ये एक बहुत ही भविष्य में हजारों लाखों रोजगार उत्पन्न करने वाली एक सोच है। इस सोच पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, बजट में टारगेट्स रखे गए, एलोकेशंस रखे गए। 5G के स्पेक्ट्रम का ऑलरेडी आपको जानकारी है कि ट्राई का चल रहा है, कंसल्टेशन करीब करीब खत्म होने को आया, मार्च में रिकमेंडेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन पैरेलल ऑक्शन की जो तैयारी होती है, NIA वगैरह तैयार करना, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, वो सब भी इन पैरेलल चल रहा है। तो जैसे ही रिकमेंडेशन आएगा, ऑक्शन हम लोग आगे ले जा सकते हैं और 2022 में 5G का रोल आउट चालू करेंगे। अब मैं आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री पे। आप देखेंगे इस बजट में IT को, डिजिटल को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है, जो हमको अमृत काल में देश को आगे ले जाने वाले चार स्तंभ है, उसमें IT एक बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो चाहे लॉजिस्टिक सर्विस हो, चाहे डिजिटल हेल्थ मिशन हो, चाहे आप एजुकेशन की बात करें, चाहे लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात करें, चाहे डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करें, हर एक क्षेत्र में IT को एक सेंट्रल स्थान दिया गया है। तो मैं इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के विजन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह की सोच कभी हमारे देश में नहीं थी, इतनी ट्रांसफॉर्मेटिव सोच, जिसके कारण जो आज रिजल्ट भी हमारे सामने, एक आम नागरिक के जीवन में जिस तरह के परिवर्तन इससे आए, वो सब आपने देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, हम सब ने इसका अनुभव किया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, 10 वर्षों पहले सोच भी नहीं सकता था कि भारत में कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होगी। आज $75 बिलियन पे हम लोग पहुंच चुके हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 22 लाख के आसपास रोजगार इसमें ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। इसको 75 बिलियन यानी 5.5 लाख करोड़, यहाँ से 300 बिलियन यानी करीब करीब 22 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनाना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, कॉस्ट कंपेटिटिवनेस कैसे हो, रेगुलेटरी सेटअप कैसे आसान हो, किस तरह से किसी को नई फैक्ट्री लगानी है तुरंत से तुरंत सारी फैसिलिटीज मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, वाटर का कनेक्शन, जमीन के परमिट्स, वो सब तुरंत से तुरंत मिल जाए, इन सब चीज़ों पे काम करके प्लस जो कंपोनेंट्स आने हैं वो कंपोनेंट्स का इंडिया में कैसे मैन्युफैक्चर हो। आपने देखा पिछले दिसंबर में सेमीकंडक्टर की पॉलिसी भी आई, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमें ब्रॉड भी जाना है यानी नई नई कैटेगरीज भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करनी है, डीप भी जाना है यानी पीसीबी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, उस पीसीबी के ऊपर जो असेंबली होती है वो इंडिया में हो, जो पीसीबी असेंबल होने के बाद में उसको टेस्ट करना है वो भारत की लेबोरेटरीज में हो, जो उसमें चिप्स लगेगी सेमीकंडक्टर वो भारत में मैन्युफैक्चर हो। तो ये जो सोच है बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव सोच है, इस कॉम्प्रिहेंसिव सोच के लिए जो कुछ भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आज बजट में आज अनाउंस हुई, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी को कि इन तीनों के तीनों मंत्रालय के लिए जो कि जन जीवन से जुड़े हैं, आम नागरिक से जुड़े हैं, साधारण मानवी से जुड़े हैं, हम सबके जीवन से जुड़े हैं, उसके लिए बहुत कुछ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।